हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर राइस बाउल। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, उसमें 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम उसको 1-2 मिनट तक सोते कर लेंगे। बाद में उसमें थोड़ा सा ओरेगानो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें हमारे बॉईल किए हुए राइस डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक और 1 हरी मिर्च को बारीक काट के उसमें डाल देंगे। 2-3 मिनट तक उसको पकाएंगे। बाद में थोड़ा धनिया और थोड़ा मरी पाउडर डाल के उसमें उसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। राइस को हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब एक दूसरे पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डाल के उसमें फिर से अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कैप्सिकम डाल देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को आप रिंग के शेप में भी काट सकते हैं। थोड़ी सी कैबेज डाल देंगे। उसको हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच जितना सोया सॉस, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा मरी पाउडर डाल के सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच टमाटो केचप भी डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसको भी एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम एक पैन में 2-3 चम्मच ऑयल डाल के उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और पनीर को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है उसको डाल देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसको रोस्ट होने देंगे। थोड़ी देर बाद जब पनीर डार्क ब्राउन हो जाए तब तक उसको पकाएंगे। इसको बनने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम सर्विंग के लिए बाउल तैयार कर लेंगे। एक बाउल में हम पहले हमारे बनाए हुए राइस सर्व कर लेंगे। बाद में हमने जो वेजिटेबल्स बनाए थे उसको सर्व कर लेंगे। और लास्ट में इसमें पनीर डाल देंगे। तो बनके रेडी हो गई है हमारी रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही इजी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।